देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि 3 अप्रैल को हुए बीजापुर में नक्सली हमले के पीछे की पूरी कहानी क्या है। बीजापुर जिले के टेकलुगुड़म में शनिवार को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत हुई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 4.5 घंटे तक मुठभेड़ चली। 30 घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें 13 का इलाज रायपुर और 18 का बीजापुर में चल रहा है। कोबरा बटालियन का एक जवान राकेश्वर सिंह मिसिंग था, जो कि जम्मू कश्मीर का था। बस्तर आईजी सुंदरराज टी के मुताबिक मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं, 16 नक्सली हताहत भी हुए हैं। नक्सलियों ने जवान के पास से 10 हथियार लूटकर भागे हैं, जिसमें 7 AK-47, 2 SLR और 1 LMG शामिल है। इसके साथ ही 3 से 4 ट्रैक्टरों में नक्सलियों के शव ले जाते देखा गया था। 3 अप्रैल को हुए बीजापुर में नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ के बाद जो 22 जवान घायल हुए थे, उनसे मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि बीजापुर से वापस लौटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामकृष्ण अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने नक्सली हमले में घायल जवानों से मुलाकात भी की थी। गृह मंत्री ने जवानों का हालचाल जाना। रामकृष्ण केयर अस्पताल के बाद गृह मंत्री अमित शाह MMI अस्पताल पहुंचे, वहां भी घायल जवान मनीष कुमार से मुलाकात की। दरअसल बीजापुर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में घायल 13 जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, गृह मंत्री रामधत साहू, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और विधायक बृजमोहन अग्रवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर पुलिस लाइन में जवान राकेश्वर सिंह को छुड़ाने के लिए कई अभियान चलाए गए। उसके बाद अचानक एक दिन खबर आई कि नक्सलियों ने जवान को छोड़ दिया। 23 जवान शहीद हुए। नक्सलियों ने भी अपने 5 साथी मारे जाने की बात स्वीकार की थी। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने CRPF के कोबरा कमांडर राकेश्वर का अपहरण कर लिया था। इसके बाद माओवादी प्रवक्ता विकल्प ने मंगलवार को प्रेस नोट जारी कर कहा था कि पहले सरकार बातचीत के लिए मध्यस्थ के नाम घोषित करे, इसके बाद उनके पास बंदी के रूप में रह रहे जवान को सौंप दिया जाएगा, तब तक वो उनकी सुरक्षा में सुरक्षित रहेगा। नक्सलियों की मांग के बाद सरकार ने मध्यस्थों के नाम ढूंढने की कवायद शुरू की, क्योंकि मध्यस्थों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इस वजह से ये भी साफ नहीं है कि नक्सलियों की किन मांगों को पूरा करके सरकार ने राकेश्वर सिंह को मुक्त कराया है। बहरहाल इस खबर के बाद पूरे देश ने राहत की सांस ली थी। तो ये थी प्रदेश में पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की पूरी कहानी। आपको एक बार फिर से बता दें कि इस मुठभेड़ में हमारे 22 जवान शहीद हुए थे, जहां एक जवान राकेश्वर सिंह को अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद कई अभियान चलाए गए और कई अपील करने के बाद नक्सलियों ने उन्हें सही सलामत छोड़ भी दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़, रायपुर।